वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आयुष और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं IBPS RRB 2020 के एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ने यहां हमारे लिए न्यू वैकेंसी निकाली है जो कि है IBPS RRB 2020। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द PO और क्लर्क वैकेंसी। यहाँ पर पूरी वैकेंट है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा, इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, PDF लिंक बताऊँगा और एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊँगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है IBPS RRB Recruitment 2020। इसमें लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS हैज़ रिलीज द ऑफिशियल IBPS RRB नोटिफिकेशन PDF 2020 फॉर द CERP RRB's 9th रिक्यूरमेंट ऑफ वैकेंसीज। 9वीं वैकेंसी निकली है विद द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। मतलब 1, 2 और 3, तीन इसमें ऑफिसर स्किल की वैकेंसी निकली है। एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसी यहाँ पे निकली है। द IBPS RRB PO क्लर्क एप्लीकेशन प्रोसेस बिगन फ्रॉम 1 जुलाई 2020। मतलब 1 जुलाई 2020 से इसकी एप्लीकेशन बिगन हो जाएगी, मतलब बिगन हो चुकी है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई नाउ फॉर द IBPS RRB 2020 एग्जाम बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन 1 जुलाई आफ्टर रीडिंग द फुल नोटिफिकेशन दैट डिटेल्स अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम डेट्स। मैं गाइस ये सब आपको बताऊँगा हमारे आगे वीडियो में। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, गेट द डायरेक्ट लिंक ऑफ ऑनलाइन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया हुआ, मैं आपको इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे अप्लाई कर पाएंगे। IBPS RRB रिक्योरमेंट 2020 विल बी कैरीड आउट थ्रू प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। मतलब प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के थ्रू ये कंडक्ट किया जाएगा। IBPS RRB प्रीलिम्स 2020 फॉर ऑफिसर स्केल वन में इसको PO का यहाँ पोस्ट दिया गया है और ऑफिसर असिस्टेंट में क्लर्क का पोस्ट दिया गया है। विल बी कंडक्टेड ऑन 1st to 2nd अगस्त तक ये कंडक्ट होगा। मतलब आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, एक 1st और 2nd अगस्त को होगा, एक और 9th अगस्त को होगा और एक 16th अगस्त को होगा। ऑन द अदर हैंड द ऑफिसर स्किल 2 एंड 3rd कैंडिडेट नीड टू अंडरटेक सिंगल एग्जाम ऑन 13 सितंबर 2020। मतलब जो एक और जो पेपर आपका होगा ऑफिसर स्किल सेकंड और थर्ड का, वहाँ उस समय आपको पेपर अटेंड करना पड़ेगा 13 सितंबर तक। द IBPS RRB मेंस 2020 एग्जाम विल बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2020। मतलब आपका एग्ज़ाम कब हेल्ड होगा IBPS RRB का, ये आपका हेल्ड होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 तीनों के लिए कौन सी पोस्ट आई गई है, PO की, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए कौन सी पोस्ट है, क्लर्क की। अब गाइस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। लिखा है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस स्टार्ट कब हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1st जुलाई 2020 को। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लास्ट डेट कब है, 21st जुलाई। मतलब गाइस आपके पास बहुत समय है, आप आराम से पूरी तैयारी करके इसे फिल कर सकते हैं। रिलीज ऑफ IBPS RRB एडमिट कार्ड कब मिलेगा आपका PET के लिए, तो ये 12 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। PET प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये होगा 24-29 अगस्त तक। ये गाइस पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस अब बात करें यहाँ वैकेंसी की, IBPS RRB वैकेंसी 2020 के बारे में, तो यहाँ देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 4,624 वैकेंसीज निकाले गए हैं और ऑफिसर स्किल 1st असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ 3,800 वैकेंसी निकाले गए हैं। इस तरह गाइस यहाँ पे अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाले गई हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये है 9,638 वैकेंसी। और यहाँ का आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिया है किस तरीके से आप इसे फिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ का दिया हुआ स्टेप 1 में विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट IBPS.in। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से इसे विजिट कर सकते हैं, पहले विजिट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या है, क्लिक ऑन अप्लाई हियर फॉर IBPS RRB अंडर CERP RRB's 9th। इसके तहत आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर बाय एंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल। आपको सारा रिक्वायर्ड डिटेल्स में फिलअप करना पड़ेगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपलोड स्कैन फोटो एंड साइन, आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना पड़ेगा। करने के बाद पे एप्लीकेशन फ़ी को पे करके सबमिट आपको कर देना पड़ेगा, कन्फर्मेशन पेज को कन्फर्म कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा गाइस, अपना पूरा फिलअप कर देंगे फॉर्म, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें गाइस फीस की कि कितना इसका फीस है, तो ऑफिसर स्केल 1st, 2nd, 3rd के लिए SC, ST और PWD के लिए फ़ीस रखी गई है 175 रुपीज़। और गाइस अगर बात करें जनरल OBC और EWS की, तो उनकी फ़ीस रखी गई है 850 रुपीज़।
और गाइस अगर आपको ऑफिस एसोसिएशन मल्टीपर्पज़ के लिए फॉर्म भरना है तो SC ST PWD EXS के लिए यहाँ पे फीस रखी गई है 175 रुपीज़, और अगर बात करें जनरल OBC EWS की तो उसके लिए फ़ीस रखी गई है 850 रुपीज़। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग ZTV एजुकेशन एंड एग्जाम्स फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।